नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। कोटा दक्षिण बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर जताई अपनी नाराजगी। संदीप शर्मा ने लगाए आरोप, कहा जनता को साफ, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई, तो कोटा PhD कार्यालय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दबाव में आकर कोटा दक्षिण के पानी को कोटा उत्तर भेजते हैं जलदाय विभाग के अधिकारी। राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी कोटा उत्तर में साफ पानी भेजते हैं और कोटा दक्षिण में दूषित पानी का करते हैं वितरण। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि राजस्थान के मंत्री से भी पीने के पानी की समस्या को लेकर विधानसभा में भी प्रश्न किए थे, पर कोटा में कुछ जगह पर ही बजट पास किया गया। वहीं विधायक ने लगाई जलदाय विभाग के अधिकारियों को फटकार। सर, क्या बात हुई है, किसलिए आज यहां तक आना पड़ा? अप्रैल का महीना अभी सिर्फ खत्म होने वाला है, मई जून बाकी है, लेकिन कोटा शहर में वही पानी की किल्लत है और उसकी मूल वजह डिस्ट्रीब्यूटरी में से जो पानी शुद्ध जल अकेलगढ़ और अन्य फिल्टर प्लांट्स में से आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर में से सिर्फ 40% लोगों के पास पहुंच पाता है, बाकी 50-60% पानी व्यर्थ में बह जाता है। और उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो पुरानी पाइपलाइन है वो सरकार चेंज नहीं कर रही। विधानसभा में भी कई बार इनको चेताया बताया, लेकिन अभी तक कोई बजट इसकी ओर प्रावधान नहीं हुआ है। सिर्फ 1 करोड़ रुपया अभी विज्ञान नगर के लिए सेंक्शन किया। कल मंत्री महोदय से बात की थी, मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि कोई जो 25 करोड़ रुपए के आपके प्रपोजल हैं वो हम जल्दी सेंक्शन करते हैं, और एक और 82 करोड़ के दो महत्वपूर्ण प्रपोजल जो PhD ने बनाकर भेज रखे हैं उनके विषय में आज एडिशनल चीफ साहब से चर्चा करने आए थे। सभी अधिकारियाँ मौजूद थे, ये लोग भी इस बात से इनकी जानकारी है कि जिस तरीके से पानी की किल्लत है, बहुत कम प्रेशर से पानी कोटा दक्षिण विधानसभा में आ रहा है। सभी हमारे पार्षदगण जो है वो भी इन सारी चीज़ों को जनप्रतिनिधि होने के कारण परेशान है, लगातार जनता परेशान है, सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यदि जल्दी इस पानी की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि बड़ा आंदोलन इस PhD के इस प्रांगण में किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है, लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। जिस तरीके से लोग करोड़ों रुपये के मकान लेकर अपना मकान बनाते हैं और एक अच्छी जल व्यवस्था, अच्छी बिजली व्यवस्था चाहते हैं, सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल हो रही है। मुख्य रूप से दो प्रपोजल, एक तो 25 करोड़ का और एक 82 करोड़ का, यदि वो उसके द्वारा पाइपलाइंस चेंज हो जाएं तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक लगभग 70% जो है समस्या का निदान हो सकता है। तो उसके हम पीछे पड़े हुए हैं, और उसी विषय में आज इन अधिकारियों को चेताने आए थे कि आप लोग जयपुर जाओ, जयपुर जाके बात करो। हमारी भी मंत्री महोदय से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, आप उनको सारी जो समस्याएं उनके विषय में जानकारी दो जिससे तुरंत ये प्रपोजल पास हो, अन्यथा जो कोटा दक्षिण की विधानसभा है उसको वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी कोटा दक्षिण से तो अर्जन कर रहे हैं आय का, और उसका पैसे का जो है उपयोग वो कोटा उत्तर में कर रहे हैं, हमें उसमें कोई दुरेज नहीं है, वो कहीं पर भी करें, लेकिन वो राजस्थान के मंत्री हैं, इस नाते उन कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी सारे क्षेत्रों में उनका ध्यान होना चाहिए कि सब जगह पानी की माकूल व्यवस्था। कोटा ब्यूरो चीफ मुकेश गोस्वामी, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।